हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने ना फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। पढ़ा कैसे था आपको आइडिया होना चाहिए। सर मैंने डायग्राम बोर्ड पर बनाए थे, सब कुछ बोर्ड पे क्लियर करता गया, आपसे गेस कराता चला गया। वो उसके बाद हमने रीड कर लिए और लगभग सारी बातें हो चुकी थी। सेम काम आज करेंगे। आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ बेटा, टॉपिक का नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा पहले मैं बोर्ड पे सब कुछ क्लियर करूंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज बाद में बैठ के पढ़ लेंगे जो एक आधी रह जाए। ठीक है, आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि 10-15 मिनट पूरी पेशेंस से पूरी जान लगा के समझने पे ध्यान दो। ठीक है, फिर रीडिंग करते हैं। बाबू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नाम से शायद समझ में आ रहा होगा बेटा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना टॉप लेवल क्रिएट करता है इंटेंशनली, जानबूझकर क्रिएट करता है। बाबू ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पर बेस्ड है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है, स्केल ऑफ स्ट्रेंथ पर बेस्ड है, यूनिटी ऑफ कमांड पर बेस्ड है। तो आप लगा जितने गुण डाल सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सब डालता है। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने 2-3 थ्योरी के प्रिंसिपल भी बोल दिए पीछे। ठीक है ना जी। सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल क्रिएट करता है जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर, ताकि आप आपस में बात ही ना कर पाओ। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, फोकस ऑन द वर्क ओनली। सब काम पर ध्यान दो, रूल्स रेगुलेशन होंगे भर के होंगे, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, स्केलर चेन होगा, सब कुछ होगा इसमें भर के। बाबू जो आपका क्लासरूम है ना स्कूल में, वो टॉप लेवल ने इंटेंशनली क्रिएट करा है, आपकी क्लास टीचर ने इंटेंशनली क्रिएट किया। दो लड़के यहाँ बैठ गए, उसके बाद दो लड़के वहां बैठे हुए, यहाँ दो लड़कियां बैठी है, वहां दो लड़कियां बैठी है, कोई आपस में ना बैठ सके, कोई दोस्त आपस में ना बैठ सके। सिर्फ काम पर ध्यान हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान हो, इंटेंशनली डिजाइन स्ट्रक्चर। समझ में आती है यार ये फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा, विच इमर्जेस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द सोशल नीड ऑफ द पीपल। जो बेटा इंटेंशनली डिजाइन नहीं है, लेकिन बेटा हर इंसान की कुछ सोशल जरूरतें हैं, सोशल बीइंग, हमारी सोशल जरूरतें बिना बात करे रह ही नहीं सकते। हमारी बेटा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल है। सर लंच टाइम तो होगा ना, टॉप लेवल में जानबूझकर क्रिएट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी बात। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी तो लंच करोगे, लंच हो गया, बैठ गए सारे साथ बैठ गए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपस में बात करना में अलाउड नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट की दूरी भी 1 किलोमीटर है, पर कैंटीन कॉमन है। आ गए सारे, बैठ गए, 2-4 दिन बैठे और डी और पी दोस्त मिल गए, ना तो डिपार्टमेंट से ना लेवल से। ये देखो एक छोटा सा एम्प्लॉय और ये मैनेजर, बन नहीं सकते दोस्त। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो दोस्त बन जाते हैं, ऐसा ही होता है। गैदर सोशल नीड, अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम बात करेंगे, पक्का करेंगे ना बाबू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मैं बना कर बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर, पर एक्चुअली में कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। कोई भी किसी भी डायरेक्शन पर इससे बाद कोई भी किसी पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है। सर दोस्ती में कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट होता है क्या? सर बताओ, दोस्ती में कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट होता है? मैं अपने एक दोस्त की उम्र बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी, उनकी 2 बेटियां मेरी जितनी, वो मेरे दोस्त हैं। तेरी सच बता रहा हूँ, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, मतलब वो मुझसे अपनी इतनी दिल की बात कर लेते हैं, शायद उनकी वाइफ को भी उनके बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे पता है। एक्चुअली दोस्त होते ही यार यही चीज है, दोस्त सच में यही चीज है। आपके पेरेंट्स को भी आपके बारे में इतना नहीं पता होगा जितना दोस्त को पता होगा, यही तो चीज दोस्ती है। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, अब मैं कहता हूँ यार मैंने कभी आपसे कभी ये सोचा ही नहीं आपकी, आपका और मेरा कोई एज गैप है या हमारी कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, मेरे तो मेरे स्टूडेंट ही ज़्यादातर दोस्त बन जाते हैं, मतलब जब जाते हैं मुझे बहुत दुख होता है। ठीक
खैर जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, परिवर्तन तो सर संसार का नियम है, पर एक्चुअली में ऐसा होता है। मान लो एज के अभी 12-15 साल का होगा तब भी दोस्त है, दोस्ती में बेटा कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती, मानते हो इस चीज को? अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली सब समझ में आ रही है पक्का से? अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहाँ अचीव होंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहाँ अचीव होंगे फटाफट से बताओ? परमानेंट टॉप लेवल ने जानबूझकर क्रिएट करी है, वो चाहता क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना। पर एक बात बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ भी अचीव होते हैं। ज्यादातर बच्चों का मिथ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सिर्फ यहाँ अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ अचीव होते हैं। बेटा यहाँ भी अचीव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे हो ही नहीं सकते? होंगे बाबू, आपको पता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन को कंपनसेट करती है, इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव यहाँ भी अचीव होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात। बाबू देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या कहती है? मान लो डी और क्यू सगे भाई हैं, एज पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप आपस में बात नहीं कर सकते। मान तो यही बात है, बात तो नहीं कर सकते, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल बात कैसे करोगे? तो बात तो करनी अलाउ ही नहीं होगा। बाबू ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द ओनली, फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ओनली, हम आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप भाई हो घर पर, यहाँ पर कोई बात करनी है तो ठीक है। सर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से कि दोस्ती होगी यारी होगी, ठीक है जी बैठे हैं, कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबॉर्डिनेट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बातें करो बस, ठीक है। अब आप एक बात समझना सर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हमेशा फेस करता है। मान लो बेटा डी के घर पर ना किसी की डेथ हुई है, ठीक है, चार दिन के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन में तो आ गया पर बहुत परेशान है, और आप पता क्या कह रहे हो? नहीं, फोकस ऑन द वर्क ओनली। सर आप 7 घंटे बिठा सकते हो, यकीन मानना आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं आएगा, 2 घंटे का भी नहीं आएगा। आपको 7 घंटे बैठ जाएगा, वो काम भी करेगा, आपको दिखेगा भी काम कर रहा है, पर वो जो काम वो एक्चुअली में 7 घंटे में करता है वो दिखेगा नहीं आपको। 2 घंटे में जितना काम बनाता था ना प्रोडक्ट, उतना ही बनते दिखेंगे आपको। और यही बेटा आप डी को कहे तो कोई नहीं, 1 घंटा तो दोस्त के पास बैठ जा, बाबू वो 1 घंटा दोस्त के पास बैठ गया, उसका मन हल्का हो गया, सर 6 घंटे में इतना काम करके दे दे, आपने ख्वाब में भी ना सोचा। तो सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन को कंपनसेट कर देती है, इसकी वजह से भी ग्रुप गोल्स अचीव हो जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव पूरे करती है। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब दोनों, सोशल नीड भी सेटिस्फाई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव। सोशल नीड भी तो सेटिस्फाई होती है, बात तो हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। रियोमर्स कहां पर फैलते हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल, फटाफट से बताओ, गैस ही करना है, रियोमर्स कहां फैलते होंगे? फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल फॉर्मल में फैलने देगी टॉप लेवल, बात करना तो अलाउड नहीं है, एक स्ट्रक्चर है वहां से तो बात करो, रियोमर फैलने ना देंगे वो, रियोमर तो यहीं फैलते होंगे ना सारे, बस कान में फूक दो एक बार, चाहे ऑथेंटिसिटी है नहीं, बस फैल गई, उसके बाद क्या है, कुछ भी होता है दुनिया में, भी यही होता है, चीजें ऑथेंटिक तो होती ही नहीं, बस। अभी नीतीश कुमार को लेकर कितना कुछ बोल रहे थे लोग, उस बेचारे ने कुछ ना बोला इलेक्शन के बाद, नीतीश कुमार को लेकर कितना सोशल मीडिया पे आ रहा था, मतलब पहली चीज याद आई 15 मिनट के बाद कि नीतीश कुमार नहीं चाहते मोदी जी पीएम बने, वो चाहते हैं कि पीएम का चेहरा कोई और, नितिन गडकरी पीएम बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर, बस ऐसे की तैसी कर दो। 1.5 दिन तक यही मुद्दा चलता रहा, क्या ऐसा कुछ होगा मीटिंग में? सर यही होता है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी, बस जो चीजें ऑथेंटिक नहीं होती बस चला दी जाती है, बस फैल रही है बेटा, पता नहीं है कौन सी ऑथेंटिक बात है कौन सी नहीं। समझ में आ रही है बात? अभी तक पढ़ना शुरू करें, पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे फटाफट से निकाल दो, पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेंगे फटाफट से निकालो। बाबू एक ना डेफिनेशन दी हुई है चेस्टर बर्नार्ड की, मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, आज तक कुछ नहीं रखा डेफिनेशन, आज भी नहीं रखोगे। बाबू बिल्कुल लास्ट में दी हुई थी, बल्कि ऑथर का नेम भी नेक्स्ट पेज पे प्रिंट हुआ हुआ होगा, चेस्टर बर्नार्ड, बिल्कुल लास्ट में दी हुई थी। क्या नंबर है? पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 निकाल लेना। बाबू कहता है
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू द ज्वाइंट रिजल्ट. मुझसे पूछो अगर किसी ने मुझे डेफिनेशन समझाई होती 12th क्लास में तो क्या होता मैं तो रट के ही आया भाई. बाबू कहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही बनी है विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस. बाबू जब भी दोस्ती होती है, ग्रुप होता है, कोई पर्पस के लिए ग्रुप होता है, कहते विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस. कोई कॉन्शियस पर्पस भी डिसाइडेड नहीं है ग्रुप का बट विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट. कहता किसी कॉन्शियस पर्पस के लिए भी नहीं बनाया तब भी ये ज्वाइंट रिजल्ट देता है. सोशल नीड भी सेटिस्फाई, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव. डेफिनेशन समझ में पक्का से आओ जी आगे बढ़ो. क्या दिया हुआ पहले फीचर, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स, है ना. फीचर एडवांटेजेस जल्दी से पढ़ना. आप पढ़ोगे शायद कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक भी ना आए पढ़ना. कोई प्रॉब्लम पूछो, कोई प्रॉब्लम आई पहले भी नहीं था तो मानते हैं मेरी बात. अब एक प्रॉब्लम आएगी लिमिटेशन पढ़ते टाइम पढ़ना, एक प्रॉब्लम आएगी पढ़ दो. मैं एक नहीं बल्कि प्रॉब्लम आई होंगी दो, एक लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक रेसिस्टेंस टू चेंज. ठीक है एडवांस पता है आपको. बाबू लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन ये क्यों प्रॉब्लम आई मुझे नहीं पता. अच्छा एक बार बताओ क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड होती है. ये डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है. डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानबूझ कर क्रिएट करे. तो सर यहाँ स्पेशलाइजेशन क्यों होगा जब डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड नहीं है. सही तो लिखा है लिमिटेशन किसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. ठीक तो लिखा है स्पेशलाइजेशन इसकी मेरिट होगी ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. रही बात रेसिस्टेंस टू चेंज की मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो बेटा मैं कहता हूँ टॉप लेवल के लिए भी किसी भी पॉलिसी को किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होगा अगर बेटा ग्रुप अपोज करेगा. जान निकल जाएगी टॉप लेवल की भी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी कोई भी चीज़ अगर ग्रुप अपोज करने लगेगा. आपको पता है बेटा टॉप लेवल भी पॉलिसीज जब इम्प्लीमेंट करता है कितने धोखे से करता है, कितने धोखे से. बता नहीं मैंने आपसे कभी बात करी है कि नहीं, इन्फोसिस कंपनी जब निकालती है एम्प्लॉइज पता है आपको कैसे निकालती है. मैंने करी है आपसे कभी बात, बताता हूँ आइडिया देता हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इन्फोसिस, 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं ठीक है. बहुत अच्छी यूनिटी है, लेबर यूनियन बनी हुई है, बहुत दोस्ती यारी है. 20-25 हज़ार लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल कट्टा एक जैसे दोस्त. अच्छा क्या बताओ उनके सामने उन 20-25 हज़ार में से 3 हज़ार लोगों को निकाल दो क्या होगा. मैं नहीं मानता टॉप लेवल निकाल पाएगा. निकाल के दिखा दे सबके सामने कह दे मैं इन 3 हज़ार को निकाल दो, निकाले नहीं बनेंगे हो कभी भी नहीं निकाल पाओगे. आइडिया होगा आपको इस चीज का, ग्रुप क्या करेगा बवाल कर देगा. मानते इस चीज को पता है कोई कैसे निकाल लेते हैं. आज मान लो 5-7 दिन में छटनी करेंगे, उन्होंने डिसाइड करा मेंटली तैयार है कि 5-7 दिन में निकालेंगे, एक दिन में तो कभी नहीं निकालेंगे ठीक है. आज 500 एम्प्लॉय बाहर करेंगे, पता कैसे बाहर करते हैं. एक गेट लगा हुआ है ठीक है जी, मतलब जो एंट्री गेट है फैक्ट्री गेट है, आप कार्ड स्वाइप करते हो गेट खुलता है आपकी एंट्री होती है, टाइम नोट होता है आपके आने का ऑटोमेटिकली होता रहता है. या थंब इम्प्रेशन लगाते हो गेट कब खुलता है एंट्री होती है, थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लग जाती है आपकी ठीक है. अब एक इंसान ने थंब लगाया या कार्ड स्वाइप करा गेट नहीं खुला, एचआर आ गए इतने देर में क्या हुआ क्या इशू है सर गेट नहीं खुल रहा. कोई नहीं ऐसा कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है, खाली आपके साथ नहीं हो रहा बहुतों के साथ हो रहा है. यहाँ खड़े हो जो मैं देख रहा हूँ क्या है, कुछ नहीं किया होता उन्होंने डेटाबेस में से ना उसका जो थंब एनरोल होता है वो डिलीट कर दिया होता है तो स्कैन हो ही नहीं जब खुली डिलीट करा आपने. एक निकल गया दो निकल गया चार निकल गया सबको कहने कोई नहीं टेक्निकल इशू अभी ठीक करते हैं. 1.5 लाख एम्प्लॉय सब अंदर पहुंच गए 500 बार रह गए, जब सब अंदर पहुंच गए 500 बार रह गए यू आर फायर्ड. पूछो सर आपको आपके सिस्टम तक भी नहीं जाने दिया जाता,
क्योंकि पता, अगर आपको पता लग गया आपको निकाल रहे हैं और आप सिस्टम तक पहुंच गए, तो आप एक ही काम करोगे, कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट, डेटा भी रिकवर नहीं कर पाओगे जिंदगी में भी। हो गया खत्म कहानी। ऐसे नहीं निकालते गुस्सा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पे, समझ नहीं आ। तो अब ग्रुप अगर किसी चीज को अपोज करे ना, टॉप लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं आएगी, हमेशा काम आएगी। तो उनको पता लग गया, क्या करोगे आप अगले दिन आगे, क्या करोगे अगले दिन, फिर 500 की चटनी होगी, घबराओ नहीं तुम। वो भी पक्के हैं, वो भी क्या करेंगे, अगले दिन कुछ नहीं करेंगे, एक हफ्ता तो कुछ नहीं करेंगे, फिर एक दिन 200-400 बार, वो बहुत पक्के हैं भाई। कहाँ हो तुम, हर शेर का एक दिन नया सफा शेर मिल जाता है। ओ बात क्लियर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डन, फॉर्मल सारे फीचर पढ़ना, सारे फीचर पढ़ दो फटाफट से। ओ डन, आओ पढ़ दो मैरिट्स और डिमेरिट्स, उसके बाद एक ही बार में प्रॉब्लम ले लेना जिसने जो पूछी। वैसे एक लिमिटेशन प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूँ आप कौन सी, आप पढ़ लो। सर बैक ऑफ इनिशिएटिव के अलावा कुछ पूछना पड़ता हूँ, हाँ यार इतना तो जानता हूँ मैं। बैक ऑफ इनिशिएटिव के अलावा किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। इधर देखो जी, फिर बाबू बैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉई इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं टाइम के बाद। और शायद आपने मुझसे कभी पहले भी बात सुनी हो, नहीं सुनी हो तो आप सुन ले। बाबू डी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज पर स्केलर चेन डी कभी ओ से डायरेक्ट बात तो कर ही नहीं सकता, पर वो डी ने ना ये आइडिया सी को बता दिया। सी ने बी को, ए को, ओ को, उन्हें आइडिया इम्प्लीमेंट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का फायदा हो गया। ठीक है बाबू, आज ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल मीट प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उन्हें माइक से अनाउंसमेंट करी कि एक एम्प्लॉय की वजह से हमें करोड़ों रुपये सेव करें, मैं उनको एक चेक देना चाहता हूँ वर्थ रूपी 10 लाख, ब्ला ब्ला ब्ला, मोमेंटो ये वो, फलाना फलाना सर्टिफिकेट। उन्होंने एक को स्टेज पे बुलाया, एक को चेक थमा दिया। मुझे ईमानदारी से बताना, एक अभी कहेगा कि मुझे बी ने बताया था, बी तक ही नहीं बहुत सी बात, डी तक तो बहुत दूर की बात है। जिसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही हो, इतना सम्मान मिल रहा हो लाखों एम्प्लॉय के सामने, फिर कैश मिल रहा हो, वो कहाँ बताएगा भाई। बस वो हजम होगी सारी बात, ये खा गया रिवॉर्ड भी, पैसे भी, सब कुछ खा गया। बस अब एक बात बताओ, अगली बार डी के दिमाग में कोई आइडिया आया, अब बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा, इनिशिएटिव लेना ही नहीं वो किसी चीज का, क्योंकि प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम ही नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये कमी रहती रहती है बेटा, आपस में बात करना अलाउड नहीं होता, पता ही नहीं रहता किसका क्या आइडिया था। क्लियर बात, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। एक सेकंड के लगा के पॉज करता हूँ। डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कि मैं दिमाग में नहीं आता, मैं यही पूछना चाह रहा था, देखना चाह रहा था मैं कराई कि नहीं कराई, ये तो देखना चाह रहा। बाकी सब टॉपिक तो हो गए ना बाबू, पहले पेज पर आप वापसी कर गए, पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन आखिरी दिन ही क्यों होती है, वो भी बिल्कुल आखिरी टॉपिक। सर आपको पता तो लग ही जा चुका होगा धीरे धीरे कि आखिरी दिन ही क्यों होती है, क्योंकि मेरा टाइम में विश्वास रख ही नहीं रहा, कोई टॉपिक ही नहीं सर ये रखना पड़े। सर ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। इधर देखना, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, इधर देखना, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के पूरे वर्ड है। पहले स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, कहते हैं इसमें हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये पहली हेडिंग को इंडिकेट करता है, दूसरी हेडिंग को, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। फोर्थ स्टेप क्या था, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसी की बात चल रही है,
कि बता देते हैं कौन सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं बताते हैं, पूरा प्रोसेस चिपका रखा है। क्लियर हो गया पक्का से? चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही हमारे बच्चों, बाय।